गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। व्यंजन संधि, जब व्यंजन का किसी व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसके पहले आपने स्वर संधि पढ़ा था, उसमें केवल स्वर से स्वर का मेल हो रहा था, लेकिन व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन या व्यंजन और व्यंजन से भी मेल हो सकता है। व्यंजन संधि मुख्यतः दो प्रकार की होती है, घोष या सघोष ध्वनियाँ, अघोष ध्वनियाँ। व्यंजन संधि को करने के लिए सबसे पहले घोष या सघोष ध्वनियाँ या अघोष ध्वनियों को जानना आवश्यक है, तभी व्यंजन संधि के नियम को अच्छे से समझ पाएंगे। घोष ध्वनि क्या होती है, इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास वायु गले से निकलते समय स्वर तंत्रों में कंपन पैदा करती है, उन ध्वनियों को घोष या सघोष ध्वनियाँ कहा जाता है। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पाँचवें व्यंजन तथा य, र, ल, व और ह सघोष ध्वनियाँ हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा अक्षर सघोष ध्वनियाँ हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी सघोष ध्वनियाँ हैं। प्रत्येक वर्ग में तीसरा, चौथा, पाँचवा अक्षर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। जैसे क वर्ग में तीसरा ग, घ, अंग, च वर्ग में ज, झ, ञ, ट वर्ग में ड, ढ, अण, त वर्ग में द, ध, न, प वर्ग में ब, भ, म, ये सभी सघोष ध्वनियाँ हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी सघोष ध्वनियाँ हैं। दूसरा है अघोष ध्वनियाँ। जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता है वे अघोष ध्वनियाँ होती हैं। वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन तथा विसर्ग अघोष ध्वनियाँ होती हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष ध्वनियाँ हैं। जैसे क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ, प वर्ग का प फ, ये सभी अघोष ध्वनियाँ हैं। इसके अतिरिक्त विसर्ग भी अघोष ध्वनियाँ हैं। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। यदि अघोष व्यंजन अर्थात प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर आए अथवा घोष व्यंजन ग, ज, ड, द, ब आदि आए तो अघोष सघोष में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा और प का ब हो जाएगा। अर्थात अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे क वर्ग है तो क का तीसरा अक्षर ग है तो ग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे दिक जमा अंबर, इसमें दिक में क व्यंजन दिया हुआ है, क ये अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण है। दूसरा शब्द इसमें अंबर दिया है, अंबर में अ स्वर है। अब क जो है अपने ही वर्ग के तीसरा अक्षर ग में बदल गया है तो अब ये दिगंबर हो गया है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है वाक जमा ईस, वागीस। जैसा कि मैंने बताया कि क वर्ग का तीसरा अक्षर ग है तो यहाँ पर भी देखिए क का ग हो गया है तो इससे वागीस हो गया है। तीसरा उदाहरण है सट जमा आनन, सडानन। इसमें भी देखिए सट में ट का तीसरा वर्ण जो है ड है तो यहाँ पर सट की जगह ड आ गया है तो ये हो गया है सडानन। चौथा है जगत जमा ईस, यहाँ पर भी त का तीसरा वर्ण है द, त, थ, द तो जगदीश हो गया है। जगत प्लस गुरु,
यहाँ पर भी त का द में बदल गया है, तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो गया है, तो जगत गुरु हो गया है। उसके बाद उदाहरण है सूप जमा अंत प फ ब, यहाँ भी देखिए प वर्ग का तीसरा वर्ण ब है, तो वह सुपंत का सुबंत हो गया है। बच्चों व्यंजन संधि का दूसरा नियम है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात कोई पंचम वर्ण अथवा नासिक के व्यंजन आए तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वाक जमा मैं वांग्मय, इसमें क वर्ग का पंचम अक्षर है अंग, तो यहाँ क क का अंग में परिवर्तित हो जाएगा, तो क के जगह अंग हो जाएगा, तो शब्द नया बना वांग्मय। इसी तरह दूसरा उदाहरण है सट जमा मास सड़ मास, ट ट वर्ग का पांचवा वर्ण है अण, यहाँ पर अपने ही वर्ग का जब पांचवा अक्षर में बदल जाएगा तो यह षणमास हो जाएगा। जगत जमा नाथ जगन्नाथ, त त वर्ग का पांचवा वर्ण है न, तो यहाँ पर न में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा जगन्नाथ। यदि शब्द के अंत में त हो और उसका मेल स से हो तो त च में बदल जाता है तथा श छ में बदल जाता है। जैसे उत जमा श्वास, यहाँ पर त जो है आधा अक्षर है क्योंकि यह स्वर रहित है, तो उसका यहाँ पे च हो जाएगा और श का छ हो जाएगा क्योंकि स भी यहाँ पर आधा अक्षर है, तो यहाँ पर भी छ स्वर रहित हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है उत जमा शिष्ट, त का च में परिवर्तित हो गया, त यहाँ पर भी आधा है और यहाँ पर उच्छिष्ट में भी आधा च हो जाएगा, और शिष्ट में स का छ हो जाएगा, और शिष्ट में छोटी ई की मात्रा लगा है इसलिए यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लग जाएगा, तो इस तरह से शब्द बना उच्छिष्ट। चौथा नियम है, यदि त और द के बाद च वर्ग का व्यंजन आए तो त और द च वर्ग के व्यंजन के अनुरूप हो जाए। जैसे सत जमा चिदानंद, सत में जो त है त को हमने च वर्ग में च वर्ग के अनुरूप च में ही बदल दिया है, तो यहाँ पर शब्द बन गया सच्चिदानंद। दूसरा उदाहरण है सत जमा चरित्र सच्चरित्र, सत यहाँ पर भी त जो है आधा च में बदल गया है, च के अनुरूप ही बदल गया है, तो सच्चरित्र हो गया है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है उत जमा चारण, यहाँ पर भी त आधा च में परिवर्तित होकर च के अनुरूप हो गया है, तो यहाँ पर भी उच्चारण हो गया है। पांचवा नियम है, यदि त वर्ग के बाद ट वर्ग हो तो त वर्ग का व्यंजन ट वर्ग के व्यंजन में बदल जाता है। जैसे बृहद जमा टीका बृहद टीका, यहाँ पर बृहद द जो है त वर्ग का व्यंजन है और टीका जो में ट है वो ट वर्ग का है, तो जो द है बृहद का द है वो भी ट में बदल जाएगा, जिससे नया शब्द बनेगा बृहद टीका। दूसरा उदाहरण है उत जमा डयन, त का ड में परिवर्तित हो गया और ड है तो वो ड उसी के अनुरूप हो जाएगा, तो नया शब्द बन गया उड्डयन। यदि त के बाद न हो तो त भी न हो जाता है, जैसे उत जमा नत, यहाँ पर त न में परिवर्तित हो जाएगा, उस तो एक नया शब्द बन जाएगा उन्नत। यदि म के बाद ऊष्म व्यंजन श ख श ह अथवा
अंतस्थ व्यंजन य र ल व आए तो म अनुस्वार बिंदु के रूप में बदल जाता है, जैसे सम जमाशय संशय। यहाँ पर जो सम में अंतिम वर्ण म है वह बिंदी के रूप में यानी कि अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, संशय। चित्र दूसरा उदाहरण है सम जमासार म जो है अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो हो जाएगा संसार। फिर है सम जमावाद, फिर म है अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो हो जाएगा संवाद। सम जमा योग, म जो है अनुस्वार यानी बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो ये हो जाएगा संयोग। नौवा नियम है यदि पद के अंत में स्वर हो और उसके बाद दूसरे पद के आरंभ में छ व्यंजन हो तो छ के पूर्व च और जुड़ जाता है, जैसे आ प्लस छादन आ जमा छादन आच्छादन। यहाँ पर देखिए आ स्वर है, उसके तुरंत बाद छ व्यंजन आया है तो छ के पूर्व आधा च जुड़ जाएगा तो नया शब्द बनेगा आच्छादन। दूसरा उदाहरण है अनु जमा छेद अनुच्छेद। यहाँ पर भी छ के पहले आधा च जुड़ जाएगा तो यहाँ पर भी अनुच्छेद हो जाएगा। तीसरा उदाहरण है परिजमा छेद परिच्छेद। यहाँ पर भी ई स्वर है, परि में ई स्वर है और उसके तुरंत बाद छ आया है तो छ के पहले आधा च जुड़ जाएगा, इससे नया शब्द बन जाएगा परिच्छेद। तो बच्चों व्यंजन संधि को मैंने पढ़ा दिया है, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।